आज हम जानेंगे कि भारत दूसरे देशों से प्लास्टिक कचरा क्यों खरीद रहा है, आखिरकार इस कचरे से भारत क्या करता है, और इस प्लास्टिक के कचरे की समस्या से दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है। वेस्ट प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश में भी हमें कचरे के बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में कचरे का इतना बड़ा ढेर होने के बावजूद भारत दूसरे देशों से कचरा खरीदता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। भारत हर साल दुनिया के कई देशों से करोड़ों रुपए का कचरा खरीदता है। ये जानने के बाद आपके मन में सबसे पहले यही सवाल खड़ा होगा कि आखिर जब अपने ही देश का कचरा देश के लिए मुसीबत बना हुआ है तो भारत दूसरे देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है। दूसरे देशों के कचरे में ऐसा क्या है जो भारत के कचरे में नहीं है, और ये कचरा खरीद कर भारत करता क्या है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल के समय में भारत लगभग दुनिया के 25 देशों से कचरा खरीद रहा है। इन 25 देशों में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और इटली समेत बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश का समावेश होता है। इन सभी देशों से भारत सालाना तकरीबन 4,300 करोड़ किलो कचरा खरीदता है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। इस खरीदे गए कचरे को भारत लाने में भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। भारत दुनिया से कचरा क्यों खरीद रहा है? इस सवाल का जवाब ये है कि भारत दुनिया से कचरा अपने फायदे के लिए खरीदता है। उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने देश में प्लास्टिक के कचरे से सड़क से लेकर पेट्रोल और कपड़े भी बनाए जाते हैं। इन सभी चीजों के निर्माण के लिए भारत विदेशों से प्लास्टिक वेस्ट खरीदता है। और भी हैरानी की बात तो ये है कि भारत में हर साल लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, जबकि 14 मिलियन टन में सिर्फ 4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का ही रिसाइकिल होता है। यानी देश का 10 मिलियन प्लास्टिक कचरा हर साल कचरे के ढेर में चला जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में विदेशों से कचरा क्यों खरीदा जाता है? इस सवाल का जवाब भी आज हम आपको देंगे। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि भारत में प्लास्टिक से कौन सी चीजों का निर्माण किया जाता है। पेट्रोल और डीजल प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक रूप से जिन देशों के पास पेट्रोल और डीजल का भंडार मौजूद है, आज वे सारे देश मालामाल हो चुके हैं। भारत के पास भले ही पेट्रोल और डीजल का भंडार न हो, लेकिन अब हमारे अपने देश में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन होने लगा है, और वह भी ऐसी चीज से जिससे एक तीर से दो शिकार होता है। यानी कि प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया जा रहा है। प्लास्टिक से पेट्रोल बनाए जाने से एक तो प्लास्टिक की समस्या से निजात मिल जाती है, और दूसरा अपने ही देश में प्लास्टिक से बनाया गया सस्ता पेट्रोल लोगों को मिल जाता है। प्लास्टिक से पेट्रोल बनने का कारनामा किया है हैदराबाद के मैकेनिकल इंजीनियर और प्रोफेसर सतीश कुमार। उनका यह इनोवेशन न सिर्फ प्लास्टिक की समस्याओं से निजात दिलाता है, बल्कि हमें पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में से भी भारी राहत देता है, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किया गया यह पेट्रोल जिसकी कीमत 40 से 50 रुपया प्रति लीटर है। सतीश कुमार ने कई साल तक रिसर्च करने के बाद प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का तरीका ढूंढा है। प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की इस प्रक्रिया को प्लास्टिक पिरोलाइसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ना तो पानी खर्च होता है और ना ही किसी प्रकार का कचरा निकलता है। प्रोफेसर सतीश की इस खोज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें वैसे प्लास्टिक को भी रिसाइकल करके पेट्रोल में बदला जा सकता है, जिसे दूसरे किसी भी काम के लिए रिसाइकल नहीं किया जा सकता। 2016 के बाद से प्रोफेसर सतीश 50 टन से ज्यादा अनरिसाइकलेबल प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल चुके हैं। उनकी कंपनी प्रतिदिन 200 किलोग्राम प्लास्टिक से 200 लीटर पेट्रोल तैयार करती है, जिसे लोकल इंडस्ट्री को बेचा जाता है। यही सरकार का ध्यान प्रोफेसर सतीश की कन्वेंशन हो जाए तो, और सरकार इसे बढ़ावा दे तो प्लास्टिक की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के अरब देशों पर भारत की निर्भरता भी कम होगी और हमें सस्ता पेट्रोल डीजल भी मिलेगा। प्लास्टिक वेस्ट का सबसे बड़ा यूज है कि प्लास्टिक से सड़क बना ली जाए। दुनिया के ज्यादातर देशों में अब जाकर प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के बारे में सोचना शुरू हुआ है। वहीं हमारे देश भारत में प्लास्टिक कचरे से रोड बनाने की टेक्नोलॉजी 2001 में ही विकसित हो गई थी, और इसे विकसित किया था राजगोपालन वासुदेवन ने। भारत में प्लास्टिक से सबसे बड़े रोड का निर्माण चेन्नई में किया गया। चेन्नई के बाद भी उसके कई बड़े बड़े शहरों में प्लास्टिक कचरे से रोड का निर्माण किया जाने लगा है। प्लास्टिक से रोड बनाने के कई सारे फायदे हैं।
सामान्य रोड की तुलना में प्लास्टिक से बने रोड ज्यादा मजबूत होते हैं, लागत कम आती है और कचरे का बेहतर उपयोग हो जाता है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक लगभग 34,000 किलोमीटर रोड का निर्माण प्लास्टिक से किया जा चुका है। 1 किलोमीटर सड़क निर्माण में 10 लाख प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है। 2019 तक भारत में हजारों किलोमीटर प्लास्टिक रोड का निर्माण किया जा चुका था, जबकि यूनाइटेड किंगडम में 2019 में प्लास्टिक रोड टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में प्लास्टिक रोड का ट्रायल किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी अभी इसका ट्रायल ही चल रहा है और वहां फिलहाल 1 किलोमीटर प्लास्टिक रोड का निर्माण किया गया है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसे दोबारा उपयोग लायक बनाने में बाकी दुनिया से कितना आगे है। क्या आप जानते हैं कि आप जो प्लास्टिक बोतल से पानी पीते हैं, कुछ समय बाद उसी प्लास्टिक बोतल से बना कपड़ा आपको पहनने को मिल सकता है। जी हाँ, हमारे देश में प्लास्टिक से कपड़े बनाए जाते हैं। देश में कई सारे ऐसे स्टार्टअप खुल चुके हैं जो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उससे कपड़ा या फिर धागे का निर्माण करते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाए गए इस कपड़े और धागे कॉटन से बने सामान्य कपड़ों की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। राजस्थान के रहने वाले 17 साल के आदित्य बांगर नाम के लड़के ने भी इतनी छोटी उम्र में ही प्लास्टिक कचरे से कपड़े बनाने का तरीका सीखकर अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है। प्रेस टू ट्रीजर नाम के इस स्टार्टअप को शुरू कर दिया है। प्रेस टू ट्रीजर नाम के इस स्टार्टअप के जरिए आदित्य प्रतिदिन 10 टन प्लास्टिक को रिसाइकल करके धागे का निर्माण करते हैं और फिर धागे में कॉटन मिलाकर कपड़े का निर्माण किया जाता है। आदित्य के इस स्टार्टअप की चर्चा पूरे देश में हो चुकी है और प्लास्टिक वेस्ट का बेहतर उपयोग करने के लिए इनकी तारीफ भी हो चुकी है। प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल, रोड और कपड़े बनाने के अलावा इसे रिसाइकल करके प्लास्टिक के ही लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि देश में सालाना 14 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, जबकि इसमें से 4 मिलियन कचरा ही रिसाइकल हो पाता है, तो फिर देश के 10 मिलियन टन कचरे को छोड़कर विदेश से कचरा क्यों खरीदे जा रहे हैं? इसकी वजह है भारत में वेस्ट मैनेजमेंट की खराब व्यवस्था। भारत में कचरे का सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिस कारण ज्यादातर रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट कंपनियों तक नहीं पहुंच पाता। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाली देश की लगभग सभी कंपनियां प्लास्टिक कचरे की कमी से जूझती रहती है। इस वजह से भारतीय कंपनियों को विदेश से प्लास्टिक कचरा खरीदना पड़ता है। आपको बता दें कि 2019 में भारत सरकार ने विदेशों से प्लास्टिक कचरे की खरीद पर बैन लगा दिया था। यह बैन इसलिए लग दिया गया था कि क्योंकि भारतीय कंपनियां भारत में उत्पन्न होने वाले कचरे को रिसाइकल करके अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण कर सकें, जिससे देश में कचरा कम हो और देश का फायदा भी हो। सरकार ने यह फैसला देश के फायदे के लिए किया था, लेकिन तैयारी और प्रॉपर प्लानिंग किए बिना लिया गया यह फैसला फायदे के बजाय घाटे का सौदा साबित होने लगा, क्योंकि देश में पैदा होने वाला प्लास्टिक कचरा रिसाइकल फैक्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाता। इस वजह से इन फैक्ट्रियों को नुकसान होने लगा, यहाँ तक कि कई फैक्ट्रियां बंद भी होने लगी। आपको बता दें कि प्लास्टिक रिसाइकल करने में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। प्लास्टिक की कमी होने के कारण भारतीय कंपनियां अपनी पूरी क्षमता के साथ प्लास्टिक रिसाइकल नहीं कर पाती थी, जिसके बाद आखिर अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने विदेश से प्लास्टिक खरीद पर लगाया बैन वापस ले लिया। हालांकि ये बैन कई शर्तों के साथ वापस लिया गया है। इसमें सबसे पहली शर्त ये है कि कोई भी कंपनी अपनी टोटल रिसाइकिल कैपेसिटी का 50% प्लास्टिक विदेश से खरीद सकती है, जबकि बाकी 50% प्लास्टिक भारत से खरीदना होगा। दूसरी शर्त यह है कि भारतीय कंपनियां विदेशों से सिर्फ पॉलिथीन टेरिफ्लिट यानी PET प्लास्टिक ही खरीद सकती है। प्लास्टिक की जितनी भी बोतलें होती है उन सभी का निर्माण PET से किया जाता है। PET की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे 100% रिसाइकल किया जा सकता है। इसे रिसाइकल करके इससे प्लास्टिक की बोतल, डब्बे का कारपेट, कपड़े समेत प्लास्टिक के लगभग सभी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। भारतीय कंपनियां दुनिया भर से प्लास्टिक कचरे खरीद कर उसे रिसाइकल करके फिर से उपयोग के लायक बनाकर दुनिया को प्लास्टिक की समस्या से बचा रही है। लेकिन दुनिया में जिस तरह स्तर पर प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है उसमें भारतीय कंपनियां की ये कोशिश काफी नहीं है। प्लास्टिक कचरे को निपटाने का एकमात्र उपाय रिसाइकल ही है। अगर बड़े स्तर पर प्लास्टिक कचरे का रिसाइकल नहीं किया गया और प्लास्टिक का उपयोग यूं ही जारी रहा
तो फिर 2050 तक नदियों और समुद्रों में 821 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 90% जीव जंतु किसी न किसी रूप में अपने खाने के साथ प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं और लगभग हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंका जाता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो भविष्य में समुद्री जीव जंतु का जीवन खतरे में आ सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति आने से पहले ही प्लास्टिक की समस्या का समाधान निकल आएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।